तो आज मैं लेकर आई हूँ मेंदू बड़े की रेसिपी, जो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है एंड इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं ली हूँ उड़द दाल। तो उड़द दाल को 7 से 8 घंटे सोक कर लिए, उसके बाद अच्छे से इसे धो लिए हैं। अब इसे हम लोग पीसना है। तो यहाँ पे लेंगे एक मिक्सर के जार और इसमें हम दाल को डाल देंगे। यहाँ पे मैं 250 ग्राम दाल ली हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से ग्राइंड करें। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से इसे पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा दरदरा रखेंगे और इसे हम लोग एक कटोरी में निकाले। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश धनिए के पत्ते कटे हुए, 2 हरी मिर्च, 10 से 15 कड़ी पत्ते, उसे भी मैंने काट लिए हैं। इसे सभी चीज़ों को हम डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा फ्रेश कुटा हुआ ब्लैक पेपर डाल देंगे, 1/2 चम्मच साबुत जीरे डालेंगे, 2 से 3 चुटकी यहाँ पे हींग डाल देंगे। इससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आते हैं। अगर आप अनियन खाते हैं तो अनियन को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसे थोड़ा सा क्रंच देने के लिए आप चावल के आटे के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 से 2 चम्मच इसमें चावल के आटे भी डाल दें और अच्छे से मिला दें। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रही। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद अब है बनाने की। तो इसे अच्छा से बड़े की शेप देने के लिए यहाँ पे मैं एक कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पर हम थोड़ा सा पानी को अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर 2 बूंद जितना तेल लेंगे और इसे भी हम लोग अप्लाई कर देंगे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथों में और इसके ऊपर रख देंगे और इसे हम लोग चारों तरफ से सेट करने के बाद इसमें बीच में एक अच्छा सा होल बना देंगे उंगलियों की मदद से। तो बिना मशीन के आप इस तरीके से बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म है, गर्मा गर्म तेल में कटोरियों को थोड़ा सा आप रखें 1/2 सेकेंड के लिए, ये अपने आप छोड़ देते हैं। और दूसरा मेथड है, यहाँ पे आप बैटर को हाथों से डाल दें, उसके बाद उंगलियों की मदद या चम्मच से, तो मैं यहाँ पे चम्मच लूँ, बीच में चम्मच को करें और इसे हल्के हल्के चम्मच को थोड़ा सा हिलाएं, तो ये अपने आप एक अच्छा सा होल बन जाता है। तो मैं ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं आपको दोनों तरीके से बनाना बताएं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप बिना मशीन के आप बड़े को बना सकते हैं इजीली आप अपने घर पे। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे सिकाई करें, इसे फ्राई करें। तो देखिए एक साइड से अच्छे से इसे फ्राई हो गए, तो हम इसे पलट के इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हो गए, तो बस इसे अब हम लोग निकाल लेते हैं बड़े को। तो आप ध्यान रखें जब बड़े फ्राई करें तो आंच को कभी थोड़ा लो और कभी थोड़ा हाई करें। शुरू में तो आप इसे लो रखें, इसे बड़े आपके अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे बड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए सारे बड़े बन गए हैं और अब हम चलिए इसे हम लोग करेंगे फटाफट से प्लेटिंग। तो काफ़ी अमेजिंग देख रहे हैं बड़े। तो यहाँ पर हम चटनी, सांभर या फिर जो भी आपका मन पसंद है उसके साथ आप बड़े को इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे सुबह के नाश्ता या शाम के चाय में स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये काफ़ी अमेजिंग लगने वाली है। तो ये बड़े आप घर पे बिना मशीन के इजीली बनाएं। एंड वीडियो कैसी लगी एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए इसे भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो एंजॉय करें।